वर्ल्ड कप एवरीबडी दिस इज गाइस अजय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ऑलरेडी जो है बॉयज एंड गर्ल्स मुझे और एक जो है मेरी पुरानी वीडियो मिल चुकी है तो वो भी मैं आज आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टाइव गिलबर्ट स्नेक है और मैं लगभग 11th में रहूँगा इस वीडियो को शूट करते दौरान, तो तब की वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है और डिटेल इन्फॉर्मेशन है लगभग तक, तो जाइए जाके वीडियो को देख लीजिए और उससे पहले इंट्रो देख लीजिए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋतु यादव थाने डिस्ट्रिक्ट के डेटा वाला गांव में दोस्तों है। मैंने आज एक जीव पकड़ा है दोस्तों आपके लिए, तो एक सांप है दोस्तों, नॉन वेनमस स्नेक है अपना, कॉमन स्नेक है, फूल घर पर दिखाया तो मैं बहुत आसानी से मिलता है तो आपको दिखा देता हूँ सोचा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, इसको मराठी में नानेटी बोलते हैं, इंग्लिश में बफ चिप किलबैक। बहुत कॉमन सांप है दोस्तों अपने इधर, बहुत आसानी से मिलता है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेमी एडल्ट है। गलती से एक घर में घुस गया था तो सोचा मतलब वो लोग मारने वाले थे उसको, तो मुझे पता चल गया तो मैं जाके उसको लेके आया। अभी इसको छोड़ देंगे, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सोचा। तो देख सकते हो इसके गर्दन के पीछे से दोस्तों ऐसे काले काले पट्टे जा रहे पूरे शरीर तक, तो ये और फिर उन पट्टों पे से ये पीली रेखाएं जा रही है पूरी पूछ तक है, और उसके ऊपर ये वाइट डॉट डॉट। तो दोस्तों ये सांप की पहचान है, बहुत अच्छा सांप है दोस्तों, देखिए बिल्कुल काट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा मुझे, अभी शांत हो गया वो पूरा। तो दोस्तों ये अपने घर के आजू बाजू में बहुत आसानी से मिलता है, जैसे कि कचरे में, फिर से नाले बिले के पास में जिधर पानी रहेगा, वैसे मेंढक खाता है ये सांप। मेंढक इसका फेवरेट फूड है, तो वो आ जाता है घर के आजू बाजू। दोस्तों इसे सांप से डरना नहीं है, कोई भी सांप आए इधर स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल कीजिए। आप उसे पकड़ने जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, जहरीला हो सकता है वो, और जहरीला रहेगा और काट लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात, अगर कोई भी सांप काटे तो सीधा अपने को हॉस्पिटल में जाने का है, अगर किसी झाड़ फूक वाले के चक्कर में पड़ोगे तो फिर मरोगे, जहरीला नहीं रहेगा तो बच जाओगे, पर जहरीला रहेगा तो फिर गेम करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों पूरा नीचे से पूरा वाइट रहता है, ये बड़ा होएगा तो इसके गर्दन के इधर पूरा पीला हो जाएगा, अभी फिलहाल ये छोटा है। तो इसके आँखें भी देखिए दोस्तों कितने मतलब बड़ी रहती है बाकी के सांपों के मुकाबले, क्योंकि इसमें जहर नहीं रहता तो इसकी आँखें बड़ी रहती है दोस्तों। अभी ये सेमी एडल्ट है, बढ़ेगा ये कम से कम 2-3 फीट तक तो जाता ही है ये आराम से, अभी बहुत छोटा है। तो मैंने बताया था, अभी सोचा आपको जानकारी दे दूँ, इसको अभी छोड़ दूँगा, मैं इधर ही छोड़ दूँगा, मेरे घर मेरा खुद का घर है ये, तो मतलब क्योंकि मैं इधर उधर अभी बाजू के घर से पकड़ा है मैंने, तो फिर मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ ताकि बैलेंस बना रहे इन्वायरमेंट में। अगर इसको मैं कहीं दूर जाकर छोड़ दूँगा जंगल वंगल में तो इधर का ब्रीडिंग ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मतलब ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि कम हो जाएंगे नंबर में, तो ऐसा होएगा तो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत स्नेक रेस्क्यूअर करते कि इधर से पकड़ के उधर छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इधर का ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हमने उल्टा लोगों को बताना चाहिए कि इसको नहीं मारना है और उसको कैसा पहचानना है बताना है, तो फिर उसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जानकारी मिले। तो आइए दोस्तों इसको हम अभी रिलीज कर देते हैं, देखिए दोस्तों एक बार फिर से, मराठी में नानेटी और इंग्लिश में बफ चिप किलबैक, बहुत प्यारा सांप है। और दोस्तों और एक बात, अब सोच रहे होंगे काटता नहीं दोस्तों, सब सांप काटते हैं, बस मैं इसको अभी हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया है कैसे हैंडल करना है क्या, तो उसके वजह से ये मुझे नहीं काट रहा। अभी आप अगर बिना ट्रेनिंग के हैंडलिंग करने जाओगे तो ये ज़रूर बाइट लेगा दोस्तों। इसका स्पीड भी बहुत अच्छा रहता है, अभी देख सकते हैं आप, इसको छोड़ दूंगा तो कैसा भागेगा ये, देखिए दोस्तों पीछा जा रहे हो। तो दोस्तों वो था बस स्ट्रिप किलबैक, मैं ऋतु यादव, तो चलिए दोस्तों बाय। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई होगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन लियो अगली फिर से स्टेबल के, तो चलिए गाइस बाय।